चाचा चौधरी और बोसाका। एक दिन चाचा चौधरी के घर साबू और चाचा चौधरी। चाचा जी, पश्चिम की ओर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कोई हमसे मिलने आ रहा होगा साबू। तभी आगंतुक वहां आ जाते हैं। चाचा जी, मेरी मदद करो, मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। क्या बात है सगनू पंडित, क्या तुम्हारी बेटी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाती या घर के कामकाज नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, ये पढ़ाई में होशियार और स्वभाव में सुशील है। इसने इस वर्ष बीए पास किया है और मैं इसकी शादी रचा रहा हूँ। ये तो बड़े खुशी की बात है, फिर समस्या क्या है? सगनू पंडित आगे कहता है। हमारे घर कोई औलाद नहीं थी। एक दिन जब मैं गंगा स्नान को गया तो देखा कि किनारे पर एक बच्चा केले के पत्ते पे पड़ा रो रहा है। उसका कोई नहीं था, मैं उसे घर ले आया और हम पति पत्नी ने उस बालिका का नाम रखा किरण। वो हमारे लिए आशा की किरण थी। कुछ दिनों बाद इसकी माँ चल बसी, तब मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ी हुई तो मुझे इसकी शादी की फिक्र हुई। दफ्तर में नौकरी लगे इस नौजवान से मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। तब समस्या क्या है? क्या नौजवान दहेज मांगता है? क्या लड़के का बाप लालची है? नहीं, लड़का और दूल्हे का बाप दोनों दहेज नहीं चाहते। एक माफिया स्मगलर बोसाका ने धमकी दी है कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी उससे ना की तो वो जबरदस्ती दुल्हन को उठा ले जाएगा। अरे, ये भी कोई भेड़ बकरी है जो उठा ले जाएगा? सगनू पंडित, तुम्हारी बेटी की शादी उसी से होगी जिसे तुमने और तुम्हारी बेटी ने पसंद किया है। चाचा चौधरी उनके साथ चल देते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। इधर माफिया स्मगलर बोसाका। उस छछंदर ने अपनी बेटी मुझे देने से इनकार कर दिया। बोसाका जो चाहता है उसे पाकर ही दम लेता है। जाओ, लड़की को उठा लाओ। जो हुक्म सरदार। और वो दोनों बदमाश गाड़ी में सगनू पंडित के घर की ओर चल देते हैं। लड़की का घर ज्यादा दूर नहीं। सगनू पंडित के घर पहुंचकर एक बदमाश हवा में फायर करता है। भागो डाकू! वो दोनों बदमाश घर के अंदर दुल्हन के कमरे में घुस जाते हैं। दुल्हन को छोड़कर सब भाग गए। गोली के सामने कौन आता है? वो दोनों गन पॉइंट पर दुल्हन को अपने साथ लेकर चल देते हैं। चलो, अगर चिल्लाई तो गोली मार दूंगा। सरदार बोसाका खुश होगा। बोसाका के यहाँ। सरदार, लड़की को हम ले आए। माफी चाहता हूँ किरण, अगर तुम बोसाका के पास अपने आप आ जाती तो हमें बलपूर्वक तुम्हें उठा कर ना लाना पड़ता। पर्दा प्रथा खत्म हो गई है। घूंघट खोलो और अपना चांद सा चेहरा बोसाका को देखने दो। लेकिन घूंघट उठाते ही एक जोरदार घूसा बोसाका के मुंह पर पड़ता है। ओह! दोनों बदमाश। वह तो आदमी है, उसे गोली मार दो। लेकिन गोली चलाने से पहले ही साबू उन्हें किक आउट कर देता है। मेंढको, दूर हटो। साबू और चाचा चौधरी वापस चल देते हैं। अब तक किरण की शादी वहां हो चुकी होगी। साबू, आओ घर चलें। इधर बोसाका। इन दोनों ने बोसाका के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जो मेरे काम में दखल देता है उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। अब्दुल, मेरा कुल्हाड़ा लाओ। लो सरदार। बोसाका कुल्हाड़े को कंधे पर रखकर चल देता है। सरदार जब अपना बड़ा कुल्हाड़ा उठाता है तो किसी ना किसी की गर्दन जरूर कटती है। बोसाका रास्ते में। उन दोनों को मैंने इस तरफ जाते देखा था। ये किताब बड़ी मनोरंजक है, फुर्सत में हूँ, क्यों ना इसे पढ़ लिया जाए। तभी बोसाका की नजर किताब पढ़ते हुए साबू पर पड़ती है। उन दो में से एक ये रहा, पहले इसका सर कलम करता हूँ।
फिर दूसरे को देखूंगा। बोसाका दबे पांव साबुक पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर चाचा चौधरी, लोहे का दरातेदार चक्र, लगता है किसी मशीन का पुर्जा होगा। चाचा चौधरी उसे उंगली में डालकर घुमाने लगते हैं। हा 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 हा, इसे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह उंगली पर घुमाया जा सकता है। तभी चाचा चौधरी की नजर कुल्हाड़ा थामे हुए बोसाका पर पड़ती है। वहां स्थिति नाजुक लगती है। चाचा चौधरी के हाथ से वो लोहे का चक्र बिजली की तरह छूटता है और बोसाका की कुल्हाड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। साबू बोसाका को हाथ में उठा लेता है। चूहे, तुम दूसरों को परेशान करने से बाज नहीं आए। मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां तुम दूसरों को परेशान ना कर सको। और साबू बोसाका को हवा में उछाल देता है। बोसाका हवा में उड़ता हुआ सीधा दलदल में जा गिरता है। मुझे दलदल से निकालो, बचाओ।